हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मेरा नाम है रुपिंदर और अज आपां करन जा रहे हैं मार्च 2022 दे वन लाइनर करंट अफेयर। इस तो पहला एक वीडियो जो है मार्च 2022 दी आ चुकी है, ये सैकेंड पार्ट है। अगर तुसी नहीं देखिया तां प्लीज़ जाके देखना। राइट, जनवरी फरवरी एंड मार्च तीन मंथ जो ने करंट अफेयर मैं कवर कर चुकी हाँ इस वीडियो नाल हो जाने हैं। राइट, और फर्दर जो है आपां कंटिन्यू करांगे सारे करंट अफेयर करने है ना जिवें, तां प्लीज़ शेयर करो जिन्ना भी हो सके। मैं कोई मेरा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं हैगा जिथे मैं जाके शेयर करना है ना, तुसी हो अगर कोई एक जना भी देखता वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो। राइट, क्योंकि अगर तुहाडे लई कोई एफर्ट कर रहा है ना, तुहाडे लई कुछ चीज़ा आसान करने की कोशिश कर रहा तो उसनू शेयर करना चाहिए कि हाँ कि अगे भी कॉन्टीन्यू हो सके और फर्दर ताड़ी हेल्प हो सके। राइट, सो जिन्हें भी PPSC एंड PTPSC के जिन्हें भी गां अगे अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं ना, उन्होंने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर ने। इस तो बाद तानू कुछ भी जो है एक्सट्रा पढ़न की कितों भी लोड़ नहीं हैगी। राइट, सो इस नाल आपां शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर जो है जीवन लाइट, जो कि वेंटिलेटर है, डिवेलप किया गया है IIT हैदराबाद वालों। राइट, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, PPSC वाले ये पूछ सकते हैं कि जीवन लाइट की है, वेंटिलेटर है, किंदे वालों डिवेलप किया गया है, IIT हैदराबाद वालों। नेक्स्ट जो है इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है लॉन्च किया गया कितने, बेंगलोर के। इंडिया का फर्स्ट आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपीटिशन ऑर्गनाइज किया गया कितने, लद्दाख दे विच। और ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति विच ऑलरेडी पूछा जा चुका है। राइट, अगर देखते हो तो तुहानू पता होएगा, अगर नहीं देखते तो मैं तुहानू दस दिता। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये चीज़ा नोटिस कीतियां है कि जो कौन बनेगा करोड़पति है उन्दे विचों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर तुसी मतलब देखते हो गए तो। इस बार तो बहुत अच्छे लैवल के जो क्वेश्चन ने वो कौन बनेगा करोड़पति चो पूछे जा रहे हैं, है ना, चैलेंजिंग जी क्वेश्चन ने। और अगर तुम मतलब है ना अपनी जो नॉलेज है टेस्ट करना चाहते तो मैं लगता तुम्हें देखना चाहिए है, है ना। तो अगर टाइम हो देखा करो, अगर नहीं भी है, है ना, वैसे मैं कवर कर ही रही हाँ क्योंकि मैं देख रही हाँ। और इन क्वेश्चन जो ने पूछे जाते हैं कौन बनेगा करोड़पति चो। सो नेक्स्ट जो है इंडिया फर्स्ट ट्रेन कोलेजन अवॉइडेंस सिस्टम जो कि डिवेलप किया गया उसका नाम की है कवच, किंदे वालों, इंडियन रेलवे वालों। राइट, नेक्स्ट जो है लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवे जिसका नाम की है T49 न्यूज़ च रहा। और एक किसका पार्ट है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे ट्रैक है उसका। राइट, तो पूछा जा सकता है T49 जो है रिसेंटली न्यूज़ दे रहा वो की है, तो की है लोंगेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट जो है द फर्स्ट स्टेशन इन द ईस्ट कोस्ट रेलवे टू इंप्लीमेंट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, केड़ी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने जो है इंप्लीमेंट किया वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम, किन्ने लॉन्च की है, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट जो है इंडियन रेलवे ने जो है फर्स्ट सोलर प्लांट कमीशन किया कितने, बीना इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट जो है ICICI बैंक इन्हों वालों ना एक जो है क्रेडिट कार्ड जो डिज़ाइन किया गया है किन्ना वास्ते, जो चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्होंने जो फैनस ने उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज उन्होंने दी गई है ना, जो ICICI बैंक के जो बेनीफिट ने, है ना, बैंकिंग बेनीफिट ने उन्होंने मिल सकन। राइट, तो क्वेश्चन मतलब कितना कितने इंपॉर्टेंट है कि ICICI बैंक वालों किड़े टीम लई, है ना, IPL टीम लई जो है क्रेडिट कार्ड जो है वो बनाया गया सीगा, डिज़ाइन किया गया सी था चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट जो है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है किंदे वालों ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम, DBS बैंक, DBS बैंक मीनस डिवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये जो प्रोग्राम है ये सपोर्ट करेगा इनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट जो होंगे। राइट, उन्होंने उन्होंने ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान में होना चाहिए ताड़े। नेक्स्ट जो है HDFC बैंक जो है उन्होंने ऑटो फर्स्ट ऐप जो है वो लॉन्च की। नेक्स्ट जो है वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन
ਜੋ ਕਿ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਮੈਡਕਾਸਕਰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਐਮਨਤੀ ਵਰਲਡ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਜੋ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਬਲਗੇਰੀਆ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਲਗੇਰੀਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਬੰਜ਼ੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਫਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਵਰ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੇਸ ਕਮਾਂਡ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੋਂਗੈਸਟ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਟਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਡਾਰਡਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਯੂਨ ਸੋਕ ਜਿਓਲ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯੂਨ ਸੋਕ ਜਿਓਲ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯੂਨ ਸੋਕ ਜਿਓਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਰਾਈਟ ਪੋਲੈਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨੂਰ 2 ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਹੈ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਰੋਬੋਟਿਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ 2050 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਐਟ ਦੀ ਰੇਟ 20 ਡ੍ਰੀਮਸ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਰ ਇਹ ਬਲੂ ਕਰਾਫਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਾਸਟ 20 ਈਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਐਜ਼ ਆ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਦਾ ਲਿਟਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੋਏ ਜੋ ਕਿ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਥੀਮਸ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਦ ਥੀਮ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਾਰਚ 1
जो है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है और इसका थीम रहा 2022 का रिमूव लॉज डैट हार्म क्रिएट लॉज डैट एम्पावर। राइट, सो नेक्स्ट जो है मार्च 3 2022 नूं केड़ा दिन मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। राइट, PPSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसका थीम की रहा रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मार्च के विचों ना PPSC वाले डेज बहुत ज़्यादा पूछते हैं। नैक्सट जो है 4 मार्च की मनाया जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे, जिसका थीम रहा एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। 4 मार्च 2022 अगेन केड़ा दिन सीगा नैशनल सेफ्टी डे, जिसका थीम रहा नर्चर यंग माइंड्स डिवेलप सेफ्टी कल्चर। राइट, 9 मार्च नू रहा नो स्मोकिंग डे। राइट, और इसका थीम की सीगा क्विटिंग स्मोकिंग डज नॉट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। 10 मार्च नू वर्ल्ड किडनी डे, जिसका थीम रहा किडनी हेल्थ फॉर ऑल ब्रिज द नॉलेज गैप टू बैटर किडनी केयर। नेक्स्ट जो है 15 मार्च 2022 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसका थीम रहा फेयर डिजिटल फाइनेंस। अगेन जो 18 मार्च ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, थीम की सीगा रिसाइकलिंग फटर्निटी। 20 मार्च 2022 वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसका थीम रहा आई लव स्पैरोज। ये जो मैं बोल रही ना, ये तुसी एक खुद पेपर चक लो PPSC दे, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होए हुए ने और अगेन मतलब यही थीम ना रिलेटेड थीम चेंज हो जाता जिवें है ना हर साल, तो ये क्वेश्चन आए हुए ने। ठीक है, जो नैक्सट है 20 मार्च को मनाया गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, थीम की रहा बिल्ड बैक हैप्पियर। नैक्सट जो है वो है 21 मार्च यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसका थीम रहा इंक्लूजन मीन्स। राइट, नैक्सट जो है 22 मार्च मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाटर डे, जिसका थीम रहा ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, अगेन इंपॉर्टेंट और थीम रहा अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। 23 मार्च शहीद दिवस, उस जिसका थीम रहा ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशनरीज। ट्रिब्यूट कौन देता है दसते हैं कि उन्होंने तो बेचारे शहीदों तो होर ही कुछ दसी जाते हैं। खैर, 24 मार्च अगेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, उस जिसका थीम रहा इनवेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। 26 मार्च अगेन इंपॉर्टेंट वर्ल्ड जो है अर्थ आर, और इसका थीम रहा शेप अवर फ्यूचर। ये डेट जो है चेंज होती रहती है। ठीक है, सो अज लई इन्ना ही, मार्च के सारे करंट अफेयर जो ने मैं कवर कर दिते ने। राइट, हुण आपां नैक्सट जो वीडियो है अप्रैल दे जो लैके आवांगी करंट अफेयर, आप सारे कवर करांगे हौली हौली, सारे साल दी हो जाने है ना, जो एक्साइज इंस्पैक्टर का तो जनवरी से चला गया ना एग्जाम, सो आप सारे मंथ जो ने अच्छी तरह कवर करांगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कवर कर रहे हैं। राइट, और प्लीज़ मेरी जो वीडियो है ना इन लाइक कर दिया करो और शेयर करो जिन्ना भी हो सके, प्लीज़ शेयर करो। अगर तुम सपोर्ट करोगे है ना तो मैं हौसला जहा मिलेगा कि हाँ मैं इन्नी मेहनत की, और किसी ने इसका की कहते हैं ना गुण जाने है ना, तो प्लीज़ शेयर कर दो। सो अज लई इन्ना ही, थैंक यू सो मच।